नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर सुरेश कुमार। क्या होती है आईपीसी? बहुत सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं मनु सिंह और हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट मिस्टर सुरेश कुमार सिंह। पिछले कुछ दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसका कारण था कि सर के बिजी शेड्यूल से टाइम नहीं निकल पा रहा था, इस वजह से हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे और हमने बीच में कुछ दिन के लिए वीडियो रुक गया था। पर जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम लगभग पूरा लॉ, जितना भी सर को नॉलेज है वो पूरा लॉ हम यूट्यूब पर डाल देंगे। जो भी आपकी समस्या हो वो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हम व्यूअर्स का ही क्वेश्चन लेंगे जिसमें आईपीसी 363, 364, 376 एंड 377 के बारे में उन्होंने पूछा था। ये फ़ोन से सर के पास क्वेश्चन आया था, काफ़ी परेशान थे वो, तो सर ने इस पे वीडियो बनाने का सोचा है और सर के पास चलते हैं और जानते हैं आईपीसी 363, 364, 367 और 377 के बारे में। सर देखिए, हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य जी बहुत क्लियर है। हम सिर्फ सहयोग उनको करना चाहते हैं जो निरपराधी हैं जी, और किसी कारणवश पुलिस के चक्कर में फंस कर वो अपराधी जिनको पुलिस ने बना दिया है जी, उनको हम सहयोग देना चाहते हैं। लोग लॉ से भी डरते हैं, कानून कायदे से, कि ऐसा ना हो कि कोई गलत आदमी किसी अपराध में फंस गया हो जी, वो हम उससे सहयोग ले सकते जी। मैं उन व्यूअर्स के लिए बता दूं कि मेरे पास कोई छड़ी नहीं है ऐसी कि मैं किसी अपराधी को बचा सकूँ जी। वो अपेक्षा हमसे नहीं की जा सकती है, जैसा कि व्यूअर्स के पूछने से लगता है। हम सजेशन दे सकते हैं जी, हम सिर्फ सुझाव दे सकते हैं जी। हम किसी न्यायालय पर जाके किसी को बचा नहीं सकते जी, ठीक है जी। उसके लिए उसे प्रोटेस्ट खुद करना होगा जी। बहुत लोगों का कमेंट भी आता है कि सर चले आइए, फोन भी करते हैं कितने लोग, वो हम नहीं कर सकते जी, ठीक है, हमारी जगह पहुंच नहीं सकते जी। हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि कहीं कोई निरपराध आदमी किसी न्यायालय के चक्कर में फंस जाए है ना, और उसको फर्जी फंसाया गया हो, ऐसा भी होता है जी। क्योंकि तमाम लोग जो अपराधी होते हैं मुख्य रूप से जी, वो उनको चार्जशीट करने के बजाय पुलिस निरपराध लोगों को फंसा देती जी, ऐसा माना जाता है जी, जरूरी नहीं जी, है ना जी। तो ऐसे केसेज में मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि हर आदमी को कानून के बारे में, हर आमो खास आदमी को जानकारी हो सके जी, है ना। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत प्रबुद्ध हैं या जो कानून के बारे में जिनको विस्तृत जानकारी है जी। मेरा सुझाव है जी कि मैं इतना, कोई आदमी पूर्ण रूप से ना तो परफेक्ट है जी, और ना पूरा कानून कोई बता सकता है किसी को भी, कोई बड़े से बड़े पद पर हो, बड़े से बड़ा विद्वान हो, पूर्ण कोई नहीं है जी। सब किताबों के सहारे ही थोड़ी जानकारी जो जितना पा सकता है जी उसी को परोसता है जी। तो ये जो मेरे व्यूअर्स ने पूछा है फोन पर ही जी, है ना जी, हमने उनको सुझाव दिया कि आप लोकल वकील करके चार्जशीट और FIR और इसी में से वकील जो है वो कमी निकाल कर जी, जो निरपराध व्यक्ति होता है उसको केस के से बचाता है जी, कि उसको सजा ना हो सके जी, ठीक है जी। वही राय हम भी देते हैं जी। देखिए, जब चार्जशीट में जो साक्ष्य दिए गए हैं, FIR में जो घटना कही गई है जी, जो समय है, उसी पर जिरह करके वकील सच्चाई को न्यायालय के समक्ष रखता है जी। और वो यहाँ वीडियो बनाने से नहीं हो सकता जी। अरे हम सिर्फ नॉलेज दे सकते हैं लोगों का डर मिटा सकते हैं। 363, 364, 376, ठीक है, 377 जी, ये चारों मानव शरीर से संबंधित अपराध को प्रभावित करने वाले अपराध हैं, ठीक है जी। ये चैप्टर 16 से है जी, आईपीसी भारतीय दंड संहिता जी, ठीक है जी। 363 जी जो अपहरण की अपराध है जी, ठीक है जी, इसमें भी 7 से 10 वर्ष की सजा है जी। 364 में हत्या की आशय से कोई अपहरण किया गया हो जी, अपहरण बहला फुसला के भी हो सकता है, वो भी अपहरण हुआ, आप किसी को बहला फुसला लें और उसको किसी जगह पर रोके रह जाए जी, ठीक है जी। अपहरण
जहाँ हत्या की उद्देश्य से अपहरण किया गया हो वहाँ 364 हो जाता है जी। ठीक, ये भी गंभीर अपराध है, गैर जबानती है जी। और 376 ये रेप है पूरी तरह से जी। ये भी गंभीर अपराध है जी। और 377 अप्राकृतिक यौनाचार है जी। ठीक है, ये तो इसको तो क्या कहेंगे, मानव पिशाच का कार्य है ये जी। ठीक है जी, ये हमारे देश में ऐसे अपराध बहुत कम थे, ये आयातित हैं जी, है ना। और ये अपराध मनुष्य से ही नहीं, मानव शरीर से ही संबंधित नहीं है, अगर ये पशु के साथ भी ऐसा आचरण किया जाता है तो भी यही अपराध बनता है जी। ठीक है, तो ये भी गंभीर अपराध है जी। तो मैं अपने व्यूअर से बता दूं, मैं फोन पर सब चीजें नहीं बताई जा सकती जी। ठीक है, 2 दिन फोन कर चुके हैं इस पर जी। तो मैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ जी। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप फिर कैसा सहयोग करेंगे जी। तो हम किसी के विरुद्ध चार्जशीट हुआ है, मैं उसको बचा नहीं सकता, कोर्ट में ट्रायल नहीं करा सकता, वो लोकल वकील के माध्यम से ही उनको करना आप पड़ेगा। आप हर जगह नहीं जा सकते, ये तो लोगों को खुद ही समझना होगा। हाँ, वो उन्हें खुद ही समझना होगा जी। ठीक है जी, और हम वहाँ तक सहायक दे सकते हैं अगर आप अपनी प्रोफाइल जो चार्जशीट है FIR है उसकी कॉपी भेज दें, तो हम उसमें कुछ कमी बता सकते हैं जी, है ना। अगर जो पेपर्स लगे पुलिस ने लगाए हैं, जो बयान लिए हैं, उसमें जहाँ तारतम्य नहीं बैठता है वही अपराध ये प्रमाणित हो जाता है कि अपराध फर्ज जी, है ना। FIR में समय का, घटना से दूरी, समय, जैसे आपकी एक थान पुलिस चौकी 10 कदम पे है, आप FIR 2 दिन बाद करते हैं जी। तो ये सब चीज़ें बहुत कारण लगते हैं। फिर घटना भी किस हिसाब से लिखाई जाती है, पुलिस कैसे कैसे तफ्तीश करती है, बयान कैसे लेती है, मेडिकल रिपोर्ट कैसे आती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट कैसे, तो सारी चीज़ें तालमेल करके उसी में ये पता लग जाता है कितना फाल्स है कितना से जी। न्यायालय के सामने उसी को उजागर करके वकील किसी भी निरपराधी आदमी को बचा लेता है जी। मतलब रिपोर्ट में ही कमियां ढूंढी जा सकती है जी। अब वो वही वकील, लोकल वकील के माध्यम से हो सकता है, उसको वीडियो के माध्यम से हम कोई सहयोग नहीं कर सकते। सुझाव दिया जा सकता है, वो हम देने की कोशिश कर, वो हम देने की कोशिश कर जी। थैंक यू सो मच सर। आज हमने जाना IPC 363, 364, 376 एंड 377 के बारे में। हम इसी तरीके से लॉ की नॉलेज डालते रहेंगे। हम फिर से बता दें, सर हर जगह नहीं जा सकते। दिन भर में 10-20 कॉल आते हैं जो कहते हैं कि सर चले आइए, दिल्ली आ जाइए, बिहार आ जाइए, और अलग अलग स्टेट में बुलाते रहते हैं कि यहाँ आ जाइए, पंजाब आ जाइए। हर जगह जाके किसी का केस नहीं लड़ा जा सकता, इवन अपने शहर से भी बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके आप केस नहीं लड़ सकते, और हर जगह नहीं जाया जा सकता, घर पे ही इतना काम होता है, यहीं पे इतना केस होता है कि उसी को समझते समझते शाम हो जाती है, कहीं और नहीं जाया जा सकता। इसको लोगों को समझना होगा। हम एक राय दे सकते हैं, आप एज अ टीचर ले सकते हैं सर की राय, लेकिन अगर आप ये सोचें कि सर आपकी जगह पे आके आपको बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप राय ले सकते हैं सिर्फ हमसे। आप देख रहे थे इंडियन लॉ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।